नमस्कार, फिर से आप सबका एक बार स्वागत। और आज हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। हमारे पास आज का नया टॉपिक है आदित्य एल1। देखिए, दुनिया भर में दूसरा भारत ऐसा देश होगा जो पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी पा रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी पाई थी चंद्रमा पर लैंड करके। और आपको पता है साथियों, जैसा कि प्रज्ञान इस प्रकार से अपने को जानकारी दी है और दे रहा है, बहुत ही अद्भुत। उसी के साथ भारत ने, इसरो ने एक फिर से एक नया झंडा गाड़ दिया है, वो है आदित्य एल1 लॉन्च करके। आज यानी कि 2 सितंबर तकरीबन 12 बजे के आसपास 400 करोड़ के बजट से आदित्य एल1 लॉन्च किया गया है। यह काम करेगा, सूर्य की स्टडी करेगा, सूर्य की जो आसपास की जो विंड्स है उन विंड्स के बारे में अध्ययन करेगा और वहां की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अपने को देने वाला है। आपको बता दूं, इससे पहले संयुक्त दो देशों के माध्यम से एक सैटेलाइट अपना जा चुका है जिसका नाम था ओशो। देखते हैं उसके सोहो। अब सोहो क्या है इसके बारे में जरा जानेंगे। पहले आपको बता दूं, दिसंबर 1995 में यह सोहो जा चुका है। यह नासा, जो अमेरिका का नासा है, और यूरोपियन जो इसरो जो स्पेस एजेंसी है, इसके माध्यम से यह जा चुका है। दो देशों के सहयोग से यह मिलकर काम किया गया था। और अब जानना यह है कि आदित्य किस तरह से काम करेगा और कैसे करके यह जानकारी अपने को जुटाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है अब आप प्रॉपर रूप से आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। और आप ध्यान देंगे, यह हमारा आदित्य एल1 है, इस प्रकार से लॉन्च हो चुका है और सभी भारतवासियों को बधाई का विषय है और सबको बधाई भी है। और सभी, यदि आप भारतीय हैं तो श्योर जय हिंद का कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक साथ में जरूर करते रहें। अब हम लोग देखेंगे ये मिशन क्या है, किस तरह से हमारे यहाँ पर प्रॉपर काम करने वाला है। देखिए, इससे पहले आपने ये देखा था चंद्रमा जो था, चंद्रयान मिशन जो जिस तरह से गया, वो किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से वो काम करेगा, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, इस बात को आपको भली भांति इसके अंदर समझना होगा। चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने यह हमारी पृथ्वी है, यह यहां से अर्थ है। पृथ्वी से चंद्रयान मिशन गया था, उसकी दो विशेष बात थी। चंद्रयान मिशन जो था, 3 था या 2 था, वो पहले पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है और पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए फिर वो हमारे उपग्रह बराबर पड़ोसी जो हमारा यहां जो उपग्रह चंद्रमा है उसके ऊपर जाके उसकी कक्षा में घूमेगा और उसके ऊपर लैंड होता था। आपको बता दूं, आदित्य एल1 जो है वो सूर्य के ऊपर लैंड नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें, सूर्य जो आप देख पा रहे हैं, सूर्य न तो कोई धरती है और आप जानते हैं ये हीलियम और हाइड्रोजन का भयंकर बड़े वाला भंडार है। इसमें भी लेयर्स कई प्रकार की, जैसे पृथ्वी में क्रस्ट होती है, लेयर्स होती है, उसी प्रकार से इसमें भी लेयर्स होती है, लेकिन उस लेयर्स के ऊपर जमीन पत्थर होना ऐसा संभव नहीं है और आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है। आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी जो आप देख रहे हो, इसका एवरेज टेम्परेचर आपको पता है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सूर्य आप देख पा रहे हो, इस सूर्य का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 5500 डिग्री से लेकर 5800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसका तापमान इसका माना जाता है। अंदर और जाएं तो इसका टेम्परेचर, इसके लिए आप बिल्कुल सेंटर में चले जाते हो, इसके विकेंद्र बिंदु में चले जाते हैं, तो इसका तापमान मिलियन से भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड चला जाएगा। मिलियन तो मैं कम बोल रहा हूं, कई मिलियन ट्रिलियन चला जाएगा। लेकिन ऊपर की जो क्रस्ट है, इसका जो कोरोना भाग है, इसका ऊपर वाला जो भाग है, इसको कोरोना वायरस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसके ऊपर के भाग को कोरोना क्रीट बोला जाता है। इसके ऊपर के कोरोना भाग का तापमान बता रहा हूं जो 5500 से 5800 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर इसके हीलियम हाइड्रोजन की क्रिया बड़ी खतरनाक वाली चलती रहती है। अब होगा क्या, यदि पृथ्वी से आपको जानना है, सूर्य के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है, आप वो बात अच्छी तरह जानते हो। अब यहां से मिशन जो गया है हमारी कक्षा से बाहर होकर, ये मिशन जो आप इस प्रकार देख पा रहे हो, मैं जो ये फोटो आपके सामने लेकर आया हूं, ये मिशन जो आप देख रहे हो, इसी का नाम आदित्य है। आदित्य एल1 क्यों बोला गया है, इसके बारे में एक बात ये समझिए, ये तो सूर्य है, सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए जहां पर एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर ग्रेविटी पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है, ताकि ये जो सैटेलाइट भेजा गया है ये दूसरी ग्रह की कक्षा में जाकर उसकी ऑर्बिट में काम कर न करें और ये इस प्रकार हमारे पूरे ऑर्बिट में रहते हुए हमें पूरी जानकारी देते रहे। इस हिसाब से 5 इसके बड़े पॉइंट्स माने जाते हैं, उसको लैग्रेंजियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे यहां आदित्य को सेटल किया गया है वो पॉइंट आपका एल1 पॉइंट माना जाता है, जो हमारे से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से एल1 जो आपका आदित्य लग्रेंजियन पॉइंट एल1 तक
पहुंचने की जो जगह है 15 लाख किलोमीटर दूर, इसको टोटल यहां पर 4 महीने लगेंगे। देखो एक पॉइंट आपका और है पृथ्वी के इस साइड जो रह जाएगा। यदि आप सारे पॉइंट्स आप यहां पर बराबर देख पा रहे हो, यदि इस पॉइंट्स में देखेंगे आपके पास पृथ्वी में इधर देखोगे तो आपको यहां पर लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 2 मिलेगा। इसके अंदर आप देख पाओगे इस पे इसकी जो सूर्य की प्राबैंगनी किरणें वगैरह इसका पूरा इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा, वो बैक साइड में रह जाएगी। इससे कोई भी को मान लो ये जैसे इसकी कक्षा में है, कोई भी आने वाला उल्कापिंड है, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी स्टोन आता है तो इसको डैमेज नहीं कर पाएगा। अब आप यहां पर देखिए जहां इसको जीरो ग्रेविटी पावर पर L1 को सेटल किया गया है, ये यहां पर करेगा सन की स्टडी। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स भी है हमारे पास, यहां भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली किस पे करने वाला है ये, यहां पर सोलर विंड की स्टडी करने वाला है। यानी ये सोलर पवनों के बारे में अपने को बताने वाला है। एक तो खास बात ये, यानी कि अध्ययन किसका करेगा, तो अध्ययन इसका ये करने वाला है। अध्ययन के बारे में बात कंप्लीट होती है तो अब अपने बात करेंगे टोटल बजट कितना आएगा। 400 करोड़ का बजट आने वाला है। कैसा रहेगा, अभी तो 4 महीने की इसकी यात्रा है। 4 महीने की यात्रा के बाद सफलता की पहली सीढ़ी यहां पर चढ़नी स्टार्ट की है। आगे 4 महीने बाद इसका क्या रिजल्ट रहेगा, आदित्य 1-5 साल तक कहते हैं इसी जगह पर रह के इसी स्थान पर रहते हुए ये काम करेगा और अपने को जानकारी जुटाएगा और वापस भी हमारे यहां पर आ सकेगा। आपको बता चुका हूं मैं कंप्लीट बातें। अच्छा अब हम ये बातें देखेंगे, जो भेजता है वो भेजने वाला काम कौन, जिस रॉकेट के माध्यम से ये गया है उस रॉकेट को PSLV, ये याद रखना PSLV कॉमन वर्ड है, C-57 PSLV C-57 जो रॉकेट है वो इसको लेकर जा रहा है, जिसकी हाइट 44.4 मीटर उसकी हाइट है और इसका वजन 321 टन इसका वजन है। किसका, PSLV का वजन है। याद रखना रॉकेट और दोनों में फर्क है, पूरा पूरा इस बात को याद रखना है। 2 सितंबर 2023 को तकरीबन 12 बजे के आसपास ये लॉन्च किया गया है। आदित्य वैसे तो देवी देव सूर्य के देवी देवताओं का नाम है, आदित्य उन्हीं के आधार पर ये नाम कवर किया गया। आदित्य नाम यहां से आपका कवर हो चुका है। इस तरह की बातें आपके सामने थी। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप सबके बीच में फटाफट से रिपीट कर देता हूं, जो आप एग्जाम से कनेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, फटाफट से मेरी बातों पर ध्यान देना। नंबर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि भारत ने हाल ही में सूर्य मिशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, आदित्य L1 उसका नाम है। लैग्रेंजियन पॉइंट फर्स्ट पर इसको सेटल किया जाएगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, इस यात्रा को पार करने में 4 महीने का समय लगेगा। भारत से पहले कौन ये उपग्रह भेज चुका है, सूर्ययान सूर्य मिशन भेज चुका है, तो याद रहे नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर संयुक्त एक भेजा था, उसका नाम सोहो नाम था, याद रखना सोहो उसका नाम था। ये ऑलरेडी भेज चुके हैं, हमारे यहां से जा चुका है, पृथ्वी से जा चुका है। ये विश्व का दूसरा उपग्रह, दूसरा हमारा सूर्य मिशन होगा जो यहां से अभी जा रहा है, जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा जा रहा है उसका नाम PSLV C-57 नाम है और उसकी टोटल हाइट जो है वो 44.4 मीटर इसकी हाइट है और इसका वजन 321 टन इसका वजन है। प्रॉपर बातें याद रखेंगे, टोटल 400 करोड़ का बजट है। याद रहेगा कहां से, श्री हरिकोटा स्थित धवन शोध केंद्र से ये भेजा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, चंद्रयान 3 जो गया था वो भी श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही भेजा गया था और ये भी स्थित धवन शोध संस्थान श्री हरिकोटा से भेजा जा रहा है। तो हमारे भारतवासियों के लिए एक बधाई का विषय है, सभी भारतीयों को जय हिंद। भारत के महान वैज्ञानिकों ने जो इस प्रकार से कार्य किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिक वैदिक काल से ही महान माने जाते हैं और आज तक भारत के महान वैज्ञानिक कम बजट के अंदर बड़ा काम करने में कामयाब रहते हैं। यदि आप भारतीय हैं सच्चे मन के साथ, कमेंट वीडियो को लाइक शेयर और साथ में जय हिंद का कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।